ये लोग एग्री हो तो इनसे लिखा के ले लें। तीन घंटे तो लगे करने में जब हम लाशा दे होने को आए और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगभग कितना समय लग सकता है? देखो हमारे यहाँ हम लगभग यहाँ पे 4 बजे लगभग पहुंचे थे एनडीआरएफ की टीम। यहाँ आने के बाद जो प्रशासन ने मशीनें हमें मुहैया कराई गई थी उससे हमने काफी हद तक मलबा वहां से छोटे मोटे पत्थर को हटा लिए। अब चूंकि 2-3 चट्टाने बहुत बड़ी है उसके लिए हमारी बात हुई है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है एमएलए साहब उनसे भी बात हुई है, प्रशासन अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो विद इन 15 मिनट यहाँ 60 टन की एक बहुत बड़ी क्रेन आ रही है। उससे हमें उम्मीद है कि जब वो क्रेन हमें मिल जाएगी तो जो बड़े 2-3 चट्टाने हैं उनको हम आधे घंटे में उम्मीद है कि उन पत्थरों को हम वहां से रिमूव कर देंगे। जब वो पत्थर वहां से निकल जाएंगे उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी हमारी एक मिनी जो एलएनटी है वो काम कर रही है, अंदर रेस्क्यूर अंदर लगे हुए हैं और छोटा मोटा मलबा उसे हम वहां से हटा रहे हैं। बड़े पत्थर बिल्कुल अभी क्लियर नजर आ रहे हैं और जैसे ही वो मशीन आ जाती है 60 टन वाली तो आधे घंटे में मैं उसको पत्थरों को वहां से निकलवा दूंगा, उसके बाद जो मलबा और बचा रहेगा। अरे सबल डाल के उठा दो ना यार, नीचे पत्थरों के छोटे छोटे पत्थर क्या हाथ से उठा रहे हो यार, सबल डालो उठा दो नीचे। कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जब तक संसाधन नहीं आएंगे तब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन का मुझे कोई सार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉक नीचे गिरे हुए हैं और वो बहुत भारी है। जब तक इस ऑक्यूपेंसी की क्रेन जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। मैंने 3 जगह से क्रेनें मंगाई है, ये 200 मंगा ली, 120 और आ रही है और क्रेन भी बहुत जल्दी जल्दी पहुँच जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम से पहले पहले हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी ढिलाई नजर आ रही है। निश्चित रूप से इनको अगर सूचना समय पे मिल गई थी
तो इनको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे यहाँ पे बहुत जल्दी से, जिनमें बहुत देरी हुई है। सर अभी लगभग कितना समय लग सकता है? मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 4 से 5 घंटे अभी और लगने चाहिए। क्या क्या अन्य संसाधनों की व्यवस्था कहीं बाहर से मंगाई? मैंने मंगवाए हैं मेरे अपने स्तर पे, मेरे जो जितने भी संबंध थे प्राइवेट लोगों से, चाहे जयपुर है टैक्सी वाला तो उसको जयपुर से बुलाया है, और क्रेन किशनगढ़ से आ रही है, अजमेर से रवाना हो गई है, दसू माइंस मेरे मित्र हैं उनकी माइंस की क्रेन मंगाई है। तो सर अपन इस जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको अपन रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से कहीं ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं घातक सिद्ध नहीं हो जाए, जो मजदूर अंदर दबा हुआ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत दूर है गांव, इंटीरियर होने की वजह से संसाधन हमें तलाशने में दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने अपने प्रयास किए होंगे, पर मेरे आने के बाद मैं लगातार प्रयासरत हूँ, बहुत जल्दी जल्दी आ भी गया है, 1Q20 आ भी गई है, एक और आने वाली है, और बहुत जल्दी 2 और 3 घंटे में दूसरी क्रेन पहुँचे, क्रेन आ रही है। अमेजिंग ब्लॉग मैं कंटिन्यू करेंगे।